मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं खबरनामा। यूपी में बीजेपी को एक बार फिर इख्तदार हासिल होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए यूपी को अव्वल मुकाम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का लखनऊ में खिताब। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल यूपी में आदित्यनाथ हुकूमत की सताइश की है और ये कहा है कि इन्होंने लाइन ऑर्डर के मामले में यूपी को सरफेरिस्त कर दिया है। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी साइंस का संगे बुनियाद रखने के बाद ताप करते हुए ये बात कही। खराब पुलिस रिकॉर्ड पर अब कश्मीर में पासपोर्ट नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से रियासत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वाले जुर्म बाशुमाल संगबारी में मुलविस रहने वालों को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना देने के फैसले से कई खानदान इससे मुतासिर होंगे। कहा गया है कि ऐसे रिकॉर्ड रखने वालों को पासपोर्ट और मुलाजिमतें फराहम नहीं की जाएगी। किसी भी मसले पर सड़कों पर एहतजाज करने वालों की फेरिस में तकरीबन 20,000 अफराद के नाम शामिल है। कश्मीर में CID और SB पुलिस को हिदायत दी गई है वो पासपोर्ट या किसी दूसरे वेरिफिकेशन पर इन अफराद को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दें। ये वेरिफिकेशन सरकारी खिदमत और खिदमत स्कीम्स और मुलाजिमतों के लिए भी हो सकता है। कहा गया है कि ऐसे वेरिफिकेशन करने वालों को मुतालिका पुलिस स्टेशनों से रिकॉर्ड हासिल करने और दूसरे अहमियत के हामिल सबूत और शहादत इकट्ठा करने को कहा है। केरला में कोरोना के 20,827 नए केसेस पाए गए हैं। केरला में संडे को कोरोना के 20,728 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 56 मौतें हुई हैं। रियासत में अब तक मरने वालों की तादाद 16,837 हो गई है अब तक केरला में। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद कम। तेलंगाना में हुकूमत ने 42 कोरोना वायरस के मुतासरीन पर एक मरीज को पॉजिटिव शुमार किया है। ICMR की जानिब से किए गए दावे के मुताबिक रियासत तेलंगाना में 42 कोरोना वायरस के मुतासरीन पर एक मरीज को पॉजिटिव शुमार किया गया है। ICMR की जानिब से किए गए दावे के मुताबिक रियासत तेलंगाना में अब तक 2.43 करोड़ शहरी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले आधा दावा शुमार में ताहल महज 6 लाख मुतासिरीन की तादाद ही बताई गई है। मुहर्रम के दौरान मासूर इंतजामात की दरखास्त। वजीरे दाखिला महमूद अली से ऑल इंडिया शिया समाज के वफाद की मुलाकात। बैंकॉक में थाईलैंड का एक बुद्ध बख्शु कोरोना टीका लेते हुए। फ्रांस में हुकूमती इकदामात के खिलाफ मुजाहिरीन में झड़पें और गिरफ्तारियां। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए मुल्की हुकूमत के ताज़ा तरीन इकदामात के खिलाफ अवामी मुजाहिरों के दौरान मुजाहिरीन की पुलिस के साथ हुई है झड़पें। इन झड़पों के दौरान दारुल हुकूमत पेरिस में कम से कम 3 पुलिस अहलकारी हो गए हैं जख्मी, जबकि 19 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। अहकाम के मुताबिक इन मुजाहिरों के दौरान पेरिस के अलावा कई शहरों में मजमाई तौर पर 2 लाख से ज्यादा शहरियों ने हिस्सा लिया है। अफगान तालिबान का कंधार एयरपोर्ट पर हमला। कोरोना पर काबू पाने के लिए टीका अंदाजी में तेजी बहुत जरूरी है। टीका ना लगवाने वालों की मुख्तलिफ सहूलतों से महरूमी का अंदेशा। शहर हैदराबाद में रईसा नामी खातून एडवोकेट के कत्ल के केस में 4 भाई और भावज हो गए हैं गिरफ्तार। कोरोना के बहाने हुजूराबाद के जमनी चुनाव मुलतवी करने की हुकूमत की जानिब से कोशिश। हुकूमत के इस रवैये पर कांग्रेस की तनखीद। सफेद राशन कार्ड पर 1 अगस्त ता नवंबर 10 किलो मुफ्त चावल दिया जाएगा। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकार ने ये बताया कि सफेद राशन कार्ड पर अगस्त ता नवंबर के दरमियान 10 किलो चावल मुफ्त
मुफ्त दिया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी हो गई हैं महंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है जो 1 अगस्त से अमल किया जाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 73.50 पैसा महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर्स की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। करीमनगर में कांग्रेस का एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस और माओइस्टों के दरमियान फायरिंग, एक नक्सलाइट हलाक। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद पर नक्सलाइट हफ्तावारी त्योहार मना रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पर ऑपरेशन कर रही थी। अचानक पुलिस और नक्सलाइट का आमना सामना हो गया और दोनों के दरमियान फायरिंग शुरू हो गई। जुलाई 28 से 3 अगस्त तक नक्सलाइट अपने शहीदान की याद मनाते हैं। इसी दौरान जिले की सरहदी पुलिस और नक्सलाइट के दरमियान संडे के दिन सुबह 8:15 फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक नक्सलाइट की मौत वाक़े हो गई। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H News, आपकी आवाज़।